कौन है जिनकी हजारों किताबें हजारों पुस्तकें हैं बाबा साहब की, तथागत गौतम बुद्ध की मिलती हैं, आज पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं संविधान को लेके, क्या लग रहा है सर आपको, ये कैसे पूरे देश से आपने जोड़े हैं लोगों को? एक्चुअली हमने जोड़ा है ऐसा लगता है, असल में सारे व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं ये अपने आप जुड़े हैं और कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। आप इनकी संख्या देखिए और इनकी उत्साह देखिए कि आज कैसी पवित्र भावनाओं को लेकर ये अपने संविधान, भारत का संविधान जो भारत के प्राण हैं, जो भारत की लाइफ लाइन है, उसकी सुरक्षा के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जब ये पवित्र भावना से इकट्ठा हुए हैं तो संविधान को कोई आज आएगी नहीं। शांति स्वरूप जी एक बात बताइए, बहुत सारे कार्यक्रमों को मैंने देखा है उसके अंदर बहुत होड़दंग तरीके से होता है, लेकिन ये जो आपका कार्यक्रम जहाँ से चला है और वहाँ तक पहुँचा है बहुत शांतिप्रिय तरीके से पहुँचा, उसके लिए क्या आपने क्या करा? ये सारे के सारे अनुशासित लोग हैं जी, अपना अच्छा बुरा समझते हैं जी, और सरकार के साथ में छेड़छाड़ करना, सरकार की प्रॉपर्टी को छेड़छाड़ करना, ये हमने इनको सिखाया नहीं है, क्योंकि देश हमारा है, इस देश की सारी संपत्ति हमारी है, ये बाहर के आए हुए लोग थोड़े दिन के मेहमान हैं, बाकी तो ये सारा देश हमारा है, हमने ही चलाना है, हमने ही संभालना है। शांति स्वरूप जी एक बात बताइए, जहाँ तक संविधान की बात आती है या संविधान के ऊपर कोई आँच आने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर उसमें SC कैटेगरी ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, क्या संविधान सिर्फ SC कैटेगरी का है सबका है? नहीं, संविधान तो सबका है, मगर ये SC कैटेगरी संविधान के प्रति बहुत अधिक जागरूक है इसलिए ये ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, बाकी हिस्सा हर एक भारतीय को लेना चाहिए, हर एक राष्ट्रभक्त को लेना चाहिए, हर एक देशभक्त को लेना चाहिए। मैंने देखा इस कार्यक्रम के में अधिकतर बहुजन समाज के लोग ही आए हुए हैं, तो बाकी जो है जैन समुदाय, सिख समुदाय या ब्राह्मण समुदाय, वो उनको संविधान दिवस मनाना नहीं चाहिए? नहीं, उनको मनाना चाहिए, पर उनके पास साधन इतने हैं, वो उसी के नशे में मस्त हैं और जो उनके अपने कुछ लोग जो राजनीति में उन्हें उतारे हुए हैं उन पर उनको पूरा भरोसा है, पर हमारा तो कोई नेता भी नहीं है, जितने भी हमारे नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों वो हमारी आवाज़ ना अंदर उठाते ना बाहर उठाते, चुनते ही उनकी आँख और उनके कान तुरंत बेकार हो जाते हैं, पंगू हो जाते हैं जी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है इसको नेशनल लेवल पे क्यों नहीं मनाया जाता है? लोग अपने अपने तरीके से संविधान दिवस मना रहे हैं, जो नहीं राजनीति पार्टियां जो ऐसे नेता अभिनेता या फिर देश के जो राष्ट्रीय पार्टियां उनको इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। ये राष्ट्रीय छूतछात है जी, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे महान कार्य किए हैं और उन्हीं पर ये चलते हैं जी, मगर बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे ये, इनको बाबा साहब का नाम लेते हुए इनकी नानी मरती है, इसके पीछे और कोई वजह नहीं है, जातीय कारण इसके पीछे हैं। बाबा साहब हिंदू कोड भी लाए थे मगर उनके नाम से उसको पास नहीं किया, क्यों? कि वो नहीं चाहते थे कि एक अछूत व्यक्ति इस देश का कानून बनाए, संविधान बनाना मजबूरी हो गई थी बाबा साहब के लिए, उन्होंने बाबा साहब से मजबूरी में संविधान बनाया, अगर बाबा साहब संविधान ना बनाते लॉर्ड माउंटबेटन इनको सत्ता ना देता, तो वो उनकी मजबूरी थी इसलिए बनवाया, मगर संविधान बनाते ये कहने लगे बाबा साहब ने तो इसकी दो लाइन भी नहीं लिखी, तो ये इनका चरित्र है, बेईमान चरित्र है, हम उसको अच्छी तरह समझते हैं, मगर ये विशाल जनता इन सब चीजों में नहीं आती है। सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये कुछ लोग बोलते हैं संविधान से बढ़िया मनुस्मृति है, क्या फर्क है मनुस्मृति में और संविधान में वो बताएं? मनुस्मृति अगर बढ़िया होती तो सारी दुनिया का विधान होती। आज जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान आया है मनुस्मृति धराशायी हो गई है, ये पिछले दरवाजे से बैकडोर से उसको लागू करने की बात करते हैं, इस देश में असली लड़ाई मनुस्मृति और संविधान की है और वो चल रही है। व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ द मनुस्मृति एंड संविधान? मनुस्मृति मानवीय अधिकारों का हनन करती है और भारत का संविधान मानवीय अधिकारों के समर्थन में अड़कर खड़ा होता है। संविधान दिवस है, संविधान दिवस पे आप पूरे देश को क्या कहना चाहेंगे विशेष? संविधान दिवस के अवसर पर सारे देश को मैं यही कहना चाहूँगा कि संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारी राष्ट्रीय एकता बचेगी, संविधान बचेगा तो हमारा भाईचारा बचेगा, संविधान नहीं रहेगा तो ये देश भी नहीं रहेगा, ये आज साबित हो चुका है।